नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। वर्ल्ड चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने इतिहास रच दिया है। नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया है। आपको बता दें कि ओलंपिक में 120 साल में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा ने अब वर्ल्ड चैंपियनशिप में इतिहास रच दिया है। नीरज ने बुडापेस्ट में हुए वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप में जेवलिन थ्रो का गोल्ड जीत लिया है। फाइनल में उन्होंने 88.17 मीटर ने अपने बेस्ट एफर्ट्स के साथ गोल्ड कामयाबी हासिल की है। नीरज की ऐतिहासिक जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है, कहा है, प्रतिभाशाली नीरज चोपड़ा ने अपना सर्वश्रेष्ठ दिखाया है। उनका समर्पण, सटीकता और जुनून उन्हें न सिर्फ एथलीट्स में चैंपियन बनाता है, बल्कि पूरे खेल जगत में वो एक उन्हें उत्कृष्टता का प्रतीक बनाता है। वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने पर आपको ढेरों बधाइयां। ये चैंपियनशिप 1983 से हो रही है और पहली बार किसी भारतीय एथलीट ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने सिल्वर जीता है। उन्होंने 87.82 मीटर का बेस्ट एफर्ट निकाला। वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप ने भारत का ओवरऑल तीसरा मेडल है। पिछले सीजन में नीरज ने सिल्वर जीता था। महिला लॉन्ग जंपर अंजू बॉबी जॉर्ज ने 20 साल पहले 2003 में पेरिस में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था। नीरज एक साथ ओलंपिक और वर्ल्ड चैंपियनशिप दोनों का गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। उन्होंने 2021 में हुए टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीता था। भारत ओलंपिक में साल 1900 से शिरकत कर रहा है, लेकिन ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स में नीरज ने पहली किसी भारतीय ने गोल्ड छोड़ी है। किसी ने कलर का मेडल नहीं जीता था। नीरज से पहले मिल्खा सिंह और पीटी उषा अलग अलग ओलंपिक में चौथे स्थान पर रहना भारत का बेस्ट परफॉर्मेंस था। फाइनल इवेंट में भारतीय स्टार नीरज चोपड़ा को अपने पाकिस्तान प्रतिद्वंदी अरशद नदीम से कठिन चुनौती मिली। हालांकि नदीम कभी नीरज से आगे नहीं निकल सके। वहीं आपको बताते चले कि नीरज चोपड़ा ने इतिहास रच दिया है। नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीतकर पूरे देश का नाम रोशन कर दिया है। जहां एक तरफ नीरज चोपड़ा को बधाइयां मिल रही हैं चारों तरफ से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके नीरज चोपड़ा को बधाई दी है। साथ ही साथ हर तरफ से नीरज चोपड़ा की वाहवाही हो रही है। नीरज चोपड़ा ने ऐतिहासिक क्षण भारत को देखने को दिया है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अनेक खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ फाउंडेशन।